यह संसार अनेक विविधताओं और विचित्रताओं से भरा हुआ है। आकाश से लेकर पृथ्वी तक, पेड़ों से लेकर पक्षी तक, सैकड़ों तरह की प्रजातियां से भरा हुआ है। कुदरत की रचना नायाब है। पृथ्वी पर कुछ जगह हमें स्वर्ग का एहसास करवाती है तो कुछ जगह हमें अंदर तक रोमांच से भर देती हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसे स्थान के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में अद्भुत और अनोखा है। यह स्थान बहुत सुंदर है और डरावना भी है। यह स्थान तरह तरह के खौफनाक रहस्यों से भरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं अमेजन जंगल की। इस स्थान के कौतूहल से भरे रोमांचकारी दृश्य देखने वाले को अचरज में डाल देते हैं। यह वह स्थान है जो विषैले जीव जंतुओं से भरा हुआ है। दूर दूर तक फैली हुई हरियाली का हरा रंग और नीली नीली विशाल जल से भरी हुई नदी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता को समेटे हुए है। यहां ये पेड़ पौधे एक दो नहीं बल्कि अरबों खरबों की संख्या में है। इस स्थान पर दूर दूर तक फैले हुए आसमान को छू लेने वाले पेड़ों की छाया हजारों किलोमीटर तक फैली है। यहां दिन में भी बहुत डरावना घुप अंधेरा रहता है। अमेजन जंगल को वंडर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है। अमेजन जंगल का कोना कोना प्रकृति के अनेकों रहस्यों को समेटे हुए हैं। यहां हर तरफ अविश्वसनीय दृश्य नजर आते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे, नदियां, जंगल, मछलियां, मेंढक, सांप, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि सभी अपने अनोखे रंग रूप और आकार के कारण हमें आश्चर्यचकित करते हैं। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट यानी वर्षावन है। आपको बता दें कि अमेज़न जंगल को हमारी पृथ्वी का लंग्स भी कहा जाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलों से ही आता है। अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि इसमें हमारा भारत देश दो बार फिट हो सकता है क्योंकि ये जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर अमेज़न जंगल कोई देश होता तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। अमेज़न का जंगल 9 देशों में फैला हुआ है जिसमें से इस जंगल का करीब 60% हिस्सा ब्राजील, 13%, पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयान में फैला हुआ है। बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं उसके एक तिहाई को एक साथ आप अमेज़न के जंगलों में ही देख सकते हैं। अमेज़न जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ है जिसमें 17,000 से ज्यादा पेड़ों की अलग अलग प्रजातियां हैं। ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि सूर्य की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पाती। क्या आपको पता है कि विश्व में फैले जंगलों का 62% हिस्सा सिर्फ अकेले अमेज़न रेन फॉरेस्ट का है और अमेज़न का जंगल पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 4% हिस्सा है। अमेज़न का जंगल एक बेहद ही समृद्ध इकोसिस्टम से लैस है। यहाँ पर करीब 40,000 पौधों की प्रजातियां, 17,000 पेड़ों की प्रजातियां, 1,300 पक्षियों की प्रजातियां और 430 तरह के स्तनधारी जानवरों की प्रजातियां पाई जाती है। अमेज़न वर्षावन में पूरे विश्व की 10% जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें 25 लाख तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, 5,000 से भी ज्यादा मछली की प्रजातियां और 3,000 से भी ज्यादा केवल स्पाइडर यानी कि मकड़ियों की प्रजाति पाई जाती है। अमेज़न फॉरेस्ट के उत्तर में बहने वाली अमेज़न नदी जंगल के बीच से होकर गुजरती है। इसे अमेज़न का ऑक्सीजन भी कहा जाता है। बता दें कि अमेज़न नदी नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6,600 मील है। दुनिया का 20% ताजा पानी सिर्फ अमेज़न नदी में ही पाया जाता है। इतनी बड़ी और विशाल होने के बावजूद भी इस नदी के ऊपर एक भी ब्रिज या पुल नहीं है। शोध में बताया गया है कि इस अमेज़न नदी में सैकड़ों प्रजाति की खतरनाक मछलियां पाई जाती है। इसके अलावा इंसान को जिंदा निगल लेने वाला एनाकोंडा नाम का सांप इसी अमेज़न नदी में पाया जाता है। अपनी विशालता के कारण यह अमेज़न नदी धरती पर जल का एक बहुत बड़ा स्रोत है। ये जंगल इतना घना है कि जब बारिश होती है तो बारिश के पानी को जमीन तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट का समय लग जाता है। आपको बता दें कि अमेज़न के जंगल में एक ऐसी नदी भी है जिसका पानी 110 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म है। कभी कभी यह पानी उबलता हुआ भी दिखता है। यदि गलती से कोई इंसान इस नदी में चला गया तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस नदी का नाम शनाई टिम्पिश्का है जिसे वहां के लोग बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जानते हैं।